भोपाल तो... में पिटे थे ना आप लोग पिटे थे और स्वाति के साथ

उनका दर्द सामने आना चाहिए तो वो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं मेथड एक्टर हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कैरेक्टर को जीऊँ उस तरीके से तो स्क्रिप्ट को रोज पढ़ना उस पर काम करना मैं कोशिश करता हूं कि इमेजिनेशन अपनी यूज करके उसकी बैक स्टोरी बनाऊं कि उसका उसको बचपन से लेकर अभी तक उसका क्या रहा क्योंकि वो पीड़ित घर से है उसके दादाजी मेरे दादाजी जो प्ले कर रहे हैं अनुपम खेर सर प्ले कर रहे हैं तो वो अपनी घटनाएं बताते हैं उनके साथ और फैमिली के साथ क्या हुआ और इस Character को जैसे कि कि आज का यूथ है 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 समझ में में नहीं आता है, ने उनको क्योंकि कॉलेज कुछ और बताया जाता है, प्रोफेसर्स के द्वारा जो मैम प्ले कर रहे हैं राधिका का कैरेक्टर सो so, वो अलग नैरेटिव बताती हैं तो ये बहुत कंफ्यूज्ड है तो इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी सुनूं किसकी किस नहीं जो आज का यूथ भी जी लेकिन आप आप दिल्ली हरियाणा से हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरी मम्मी हरियाणा से मैं दिल्ली से हरियाणा में कहाँ से हरियाणा में रोहतक से हैं तो मामा के तो जाते हो गया भाई तो भाई नू बात है देखो हरियाणा <laughs> वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना जब मैं रेडियो के अंदर में आया था तो मेरा भी ना

नहीं कैसे इस डिक्शन को हटाया अपनी और कैसे साफ करें और ऐसे <laughs> आपके साथ कैसे सर मेरे को ऑडिशन ले और मैं फिर फिल्म में काम करूं बिल्कुल बिल्कुल वो आधा काम तो हो चुका है बहुत पहले प्रभावित हो चुके हैं आप अच्छा <laughs> <देख कर। laughs> आप इतना अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर तो आ, मैंने मुझे याद है मैं पहले जब एन के शर्मा सर के पास आया और उन्होंने मुझे मैं पहले कविताएं परफॉर्म करता था स्कूल में और कविताएं पढ़ी जाती हैं लेकिन मैं परफॉर्म करता था उनको अच्छा। तो मुझे लोगों ने बोला कि आप इसको थोड़ा सीरियसली लो और आ, एक्टिंग के बारे में सोचो तो मैं सीधा एन के शर्मा सर के ग्रुप में गया और वहां जाकर पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे देखा कुछ एक्सरसाइज एक्सरसाइजेज करवाई और फिर कहा कि चलो तुम ये मेन लीड रोल करो और वो मेन लीड कभी किसी को देते नहीं है तो वो जब मैं करने लगा तो सब लाइंस और सब कुछ तैयार थी था, लेकिन जब वो डबल ओ की मात्रा आती नहीं हाँ। मैं और ये मैं और वो और मतलब वो आ, वो कह रहे डबल ओ बोल सौ रुपए बोल मैं सौ रुपए हाँ। तो से बोल तो घसीटो समझ में कितना ही घसीट लो दिमाग में घुसे ही ना कभी कभी सुना नहीं वो कि डबल ओ की मात्रा होती है तो वो बड़ा टफ रहा तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है कि मतलब पहले तो समझना ही पड़ता है उसके अलावा कि आप टंग के अंदर अगर पेंसिल डाल लो तो उसको तब आप बार बार उसको पढ़ते रहो बुक्स को तो वो टंग जो होती है रोल पेंसल रोल की वजह से अंदर रोल, रोल, रोल करती है, तो आपका बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और वो क्लैरिटी बड़ी अच्छी आती है सर आपके ट्वीट्स की दुनिया बहुत फैन है जी तो कभी आपको ऐसा लगा जिंदगी के अंदर की यार ये डिलीट ट्वीट मैंने कर तो दिया मैं इसको डिलीट कर दूं डिलीट कर दूं इसको दूर सबकी शिकायत ही रहती है कि बॉलीवुड में कोई कुछ बोलता क्यों नहीं बोलता क्यों नहीं बोलता क्यों नहीं मैं तंग आ गया था सवाल सुन के मैंने कहा चलो वो नहीं बोलते उनके बिहाफ पर मैं ही बोल देता हूँ

मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ पूरे जीवन का अनुभव आपको भी काम आएगा कि आ, 99% नाइन परसेंट टाइम्स आप जो हैं वो सिपाही हो सकते हैं पर वन परसेंट टाइम सरेंडर करने में ही फायदा है ये बात ये बात ये बात ये बात लेकिन जो सेट पे माहौल था सेट सेट पे पे तो तो सरेंडर आपने नहीं किया नहीं किया होगा यू द द कैप्टन ऑफ शिप देखिए फिर बात एकदम अलग है फिर तो यानी मैं डायरेक्टर हूँ बाकी सब लोग एक्टर हैं पर मैं उस तरह का डायरेक्टर नहीं हूँ कि हाँ। लोगों को अपना बॉस बन के दिखाऊ मेरा इरिटेशन सिर्फ यंग लड़के लड़कियों से होता है मैं जो पैंतीस क्रॉस कर गए उनसे मुझे मतलब नहीं तुम मरो सर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं मैं अगली फिल्म की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ यंग लोगों से क्यों क्योंकि ना हमारे इंडिया में हो क्या गया ना जो यंग लोग हैं ना उनको पिछले इतने सालों में आजादी हुआ एंटरप्राइज नहीं सिखाया सबको टोपीबाजी सिखा दी है <laughs> हर आदमी शॉर्टकट में लगा हुआ है लेजीनेस में लगा हुआ है तो मेरा खून खोलता है मैं कहता हूं कि यार तुम 20 22 साल के हो दौड़ो जिंदगी में फिल्म देखिएगा पूरे दुनिया में जो देख रहे हैं लोग रो क्यों रहे हैं घंटों घंटों रोते हैं फिल्म देखने के बाद क्यों रोते हैं क्योंकि जो परफॉर्मेंसेज है वो इतने रियल और ऑनेस्ट हैं अब समझिए ऐसे में कोई मिडियोकर एक्टर आ जाए और मैं को नहीं बेचारे को बुरा ना लगे कुछ बोलना नहीं चाहिए तो यू नो तो क्या मतलब है सर आप आ... मेरे को देख के क्यों बोल रहे बेटा <laughs> <है तराँ। laughs> नहीं 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 एक्चुअली मैं तुम्हें ही देख के बोल मेरे को लग रहा था ये कि मेरे ऊपर आया है ये सीधा का सीधा जो मैं इतनी देर से अपनी एक्टिंग बेचने की तो कोशिश कर रहा हूँ और तारीफ करो ऑनेस्टी की यही होता है मेरे मैं एंकर ही हूँ सर आई एम जस्ट किडिंग नो यू गाइज आर ब्रिलियंट यू नो ब्रिलियंट नहीं मैं मैं ऐसे इसलिए बोला कि yeah. मैंने मैं ऐसा मानता था कि मुझे सब पता है मैं इतना पॉलिटिकली अवेयर हूँ इतना पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मुझे सब पता तो है अभी से इस में काफी जनता है अपने जो ट्विटर पे तो जो मानती है काफी जनता ऐसा नहीं, नहीं, मैं ट्विटर के पहले की बात कर रहा हूँ तो नहीं नहीं पर मैं नहीं, मैं नहीं, नहीं। पढ़ता हूँ तो मुझे लगता था कि मैंने कश्मीर में शूट भी बहुत किया मुझे लगता था मैं कश्मीर में जो हुआ था जेनोसाइड ये हिंदुओं का इसके बारे में मैं जानता हूँ अच्छे से लेकिन जब हमने रिसर्च चार साल हमने इसका रिसर्च किया वी ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड और हमने जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स विक्ट उनको रिकॉर्ड किया है तो वो काफी के, पर व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अच्छे कश्मीरी पंडित लोग जिनके साथ हुआ है वो भी जब फिल्म देखते हैं तो कहते हैं हाँ अरे ये तो हमने देखा ऐसा हुआ था लेकिन हमें भूल ही गए थे anyway, आप जारी रख no, no, नहीं सर जो, जो, आपने कवर कर <laughs> मुझे, मुझे, no, ही दिया बस वही है कि ये चीजें अभी जो हम ये सबको अब पूरे हिंदुस्तान तो देखेगा ही देखेगा पूरा वर्ल्ड देखेगा जैसे आप आप लोगों ने देखा वो रिव्यूज में हमें देखने को मिल रहा है कि चाहे अमेरिका हो यूएस हो पाकिस्तान हो या कनाडा कोई भी आप कंट्री का नाम लीजिए अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हर इंसान इसको रिव्यू कर रहा है इस ट्रेलर का और उससे कनेक्ट हो पा रहा है और वो इमोशनल रहा है। है। हो रहा है और इस फिल्म को देखना चाहता है कि सच्चाई क्या है तो यही सच्चाई हर इंसान देखना चाहता है और वो लोगों के सामने आएगी एक अच्छी आदत सर के बारे में एक खराब आदत आप भी दर्शन के बारे में एक एक अच्छी आदत, <laughs> एक आदत खराब अरे सर के बारे में मैं सच तो ये जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं वो बहुत अच्छी आदत है इनकी और यही खराब हो जाती है <laughs> जो लोगों के दिल में जो 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 सच नहीं सुनना चाहते और जो वो कहते हैं ना हमारा फिल्म का डायलॉग है की कि, कि शत्रुमुर्ग बने बैठे हैं हाँ. तो वो शत्रुमुर्गो को समझ में नहीं आती है बात तो ये थोड़ा सा इनकी दिक्कत है और मेरा 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 इसकी जो सबसे हाँ। बड़ी जो इसकी स्ट्रेंथ है ना कि ये बहुत सोच के काम करता है और मुझे सोच के एक्टिंग करने वाले लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्पॉन्टेनियस लोगों से ऑनेस्टली क्योंकि मैं लिखता बहुत सोच के हूँ तो मुझे तो ये बहुत सोच के क्वाइटली करता है तो ये इसकी एक बहुत अच्छी बात है नी सरप्राइज यू सडनली एकदम कोई ऐसी चीज़ कर देगा शॉर्ट में आप फिल्म देखिएगा क्लाइमैक्स में इनका एक लंबा सीन है उसमें सडनली so, really ही डिट समथिंग विच शॉकड एवरीबडी तो आई रियली लव्ड इट लेकिन वही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि आपने तो शॉक कर दिया लेकिन वो कैमरा एमरा वालों को समझ में नहीं आया क्या हुआ <laughs> तो वो सब परेशान हो जाते हैं ये क्या हो गया एक्चुअली मुझे याद है जब उसने किया था तो मेरा जो साउंड रिकॉर्ड दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और वो थोड़ा सा मेरे मेरे को देखता है तो मैं उसको बहुत लेता भी रहता हूँ थोड़ा नर्वस भी हो तो जाए आया चलो सर ये फिर से करना पड़ेगा मैंने कहा क्यों

क्लाइमेक्स में आगे कुछ बताता हूँ वो बहुत ही मेरे दिल के पास है क्योंकि जिसमें आपने कुछ अलग कर दिया जी जैसे सर ने बताया हाँ। कोशिश की मैंने सिर्फ कुछ नहीं सोचा था वहाँ कि मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा और सर अभी मैं उस अगर फिल्म देखी होती या रिलीज होती मैं डिटेल में बताता लेकिन अभी क्या है कि वो ये इनकी भी स्मार्टनेस है वो सीन क्लाइमेक्स का सीन था और सर ने बाद में शूट किया तो उससे पहले एक छोटा फिल्म, सा सीन है जो इनके और मिठुन चक्रवर्ती के बीच में कॉन्फ्रेंटेशन है जबरदस्त और ये मिठुन चक्रवर्ती से कहते हैं कि नहीं कश्मीर में कुछ भी जेनोसाइड वगैरह नहीं होता सब आप झूठ बोलते हैं याद है वो तो मैं सताया हुए लोग ये कहते हैं कि भाई अगर वहाँ बच्चों को आप उन पर रेप के चार्जेस लगाएंगे गाड़ियों में बांध बांध के अगर उनको घुमाएंगे तो सताए हुए लोग तो क्या बंदूक नहीं, नहीं, नहीं उठाएंगे तो क्या आरती उतारेंगे तो आरती उतारेंगे और उसके बाद एक लंबा सा पॉज है मिठुन चक्रवर्ती वॉक्स टूवर्ड्स हेम एंड इनकी आंखों में आँख डाल के कहते हैं सताए हुए लोग तो फिर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई क्यों <laughs> <Actually, ये laughs> क्यूँकी ये बहुत गोरे है और जो बगल वाले है उनके हिसाब से मेरी लाइटिंग मैच नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम जरूर रहती है सच्चाई अफवाह नहीं है के साथ भी यही होता होगा मैं समझ सकता हूँ। बहुत <laughs> सर एक रूमर जो आप चाहते हैं आपके बारे में सच हो जाए और तो तो बहुत सारे रूमर है नहीं सच नहीं हो जाए मतलब यार मेरे, <laughs> <बारे laughs> <बारे laughs> मेरे रूमर सच हो गया तो क्या होगा हां क्या हो okay. याने में जैसे रूमर चलती रहती है तो पॉलिटिक्स में जाने वाले मैं कई बार एकदम वो ब्लैंक हो जाता हूं मैंने ओह सच हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा यू नो मैं ना, 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 वो हो ही नहीं सकता मुझे नहीं मेरा नहीं। तो नेचर ही नहीं है यानी वो हमारे <laughs> गांव हमारे गांव में ये कहते हैं क्या आवारा बैल को कौन खूटी में बांध पाया दर्शन कुमार एंड विवेक रंजन बजाते रहो